जब मैं कहता हूँ कि अगर समझने की शिद्दत हो और सुनने का जज्बा, तो हर जर्रे में जुमा है, हर कदम पर कहानी, तो ये बात मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता। इन शब्दों में मैं पूरा विश्वास करता हूँ। आज जिस स्ट्रेच पे मैं चलने वाला हूँ, जो रास्ता आज मैं तय करने वाला हूँ, उसकी कहानी भी कुछ उस तरह की ही है। तकरीबन 250 किलोमीटर की यात्रा करनी है आज मुझे। जिस रास्ते से मैं गुजरूंगा, उस रास्ते पर मिलने वाले जगहों के बिना भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की चर्चा हमेशा अधूरी रहेगी। मैं यात्रा करने वाला हूं भारत के झारखंड राज्य के 4 प्रमुख जिलों से। इस्पात नगरी बोकारो, भारत की कोल कैपिटल धनबाद, जैन धर्म के हिसाब से उनके सबसे पवित्र स्थानों में एक, और भोलेनाथ की नगरी देवघर। इस वक्त मैं इस्पात नगरी बोकारो पहुंच रहा हूं। मैं शुरुआत करने जा रहा हूं बोकारो से। इस समय मैं बोकारो के नया मोड़ पर खड़ा हूं। हालांकि ये बोकारो का सबसे पुराना मोड़ है, लेकिन इसका नाम है नया मोड़। इन 250 किलोमीटर में मुझे उम्मीद है मैं जीवन के कई ऐसे पहलुओं से रूबरू होऊंगा जिसका अंदाजा मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं। ये बोकारो का 4 ब्लॉक या प्रखंड में आने वाला नया मोड़ है। आज दिवाली का दिन है, दिन के ठीक 12 बजने वाले हैं। हालांकि मुझे 4 घंटे आमतौर पर बोकारो से देवघर जाने में 4 घंटे लगते हैं, मुझे कुछ 1.5 से 2 घंटे ज़्यादा लगने की उम्मीद है, क्योंकि कई जगहों पर रुकूंगा। कुछ ही किलोमीटर के बाद मैं चास में प्रवेश कर जाऊंगा। चास बोकारो का एक कॉमर्शियल केंद्र है, कॉमर्शियल प्लेस है। जो मैं यात्रा कर रहा हूँ बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और फिर देवघर, जिसमें पहले 3 जिले बोकारो, धनबाद और गिरिडीह इतिहास में करीब 1556 के आसपास, जब अकबर का शासन हुआ करता था भारत में, ये मानभूम कहलाता था, जो कि राजा मान सिंह के नाम पर पड़ा था। राजा मान सिंह वो थे जिन्हें ये जगह अकबर ने गिफ्ट के तौर पे दिया था। था मेरे बाएं तरफ कोरोना काल में ये देखकर बड़ा अच्छा लगा। बोकारो, धनबाद और गिरिडीह के बारे में मैं एक बात आपको बताऊं कि इन तीनों जिलों में या इन तीनों जगहों में पश्चिम बंगाल का एक खासा असर आपको देखने को मिलेगा। बातचीत में, लैंग्वेज में बहुत अच्छे खासे लोग बंगला बोलते हैं इस एरिया में। मेरे दाएं तरफ बोकारो का हवाई अड्डा है जो अभी बन रहा है। बस कुछ ही मीटर के बाद मैं चास में प्रवेश करने वाला हूं। हालांकि आज दिवाली है, छुट्टी का दिन है, लेकिन सड़कों पर भीड़ बहुत नज़र आ रही है। ये सामान खरीदने वालों की भीड़ है। कोरोना काल में दिवाली थोड़ा तो फीका हो ही गया होगा। मैं जिस पुल से के ऊपर से गुजर रहा हूँ वो गर्गा नदी पर है। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह में जो नदियाँ हैं उसमें दामोदर नदी का बहुत महत्व है। दामोदर नदी के किनारे बोकारो और धनबाद है। फिर बराकर नदी, गर्गा, ये सारी छोटी नदियाँ हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती हैं। मैं दामोदर नदी से भी गुजरूंगा। अगर लोग मास्क न लगाएं तो पता ही ना चले कि कोरोना से अभी लड़ाई जारी है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो खैर बात अब हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि 200-250 किलोमीटर की जब भी यात्रा करनी चाहिए, थोड़ी से पहले शुरुआत करनी चाहिए। मुझसे आज देरी हो गई, ये मेरी गलती है, और मुझे डर है कहीं मैं पहुँचते पहुँचते शाम ना हो जाए, जिससे मैं बचना चाहता हूँ, क्योंकि शाम में चीज़ें दिखती नहीं हैं, और जो मेरा पर्पस है
चीज़ों को समझना वो पूरा नहीं हो पाता है। मेरा जो नेक्स्ट पड़ाव है वो भूतनाथ मंदिर है, वहाँ पर मैं रुकूँगा। कारण दो तीन है। भूतनाथ मंदिर पे तकरीबन हर एक गाड़ियाँ रुकती हैं, यहाँ से तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर है वो। भीड़ भाड़ देख कर आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये कॉमर्शियल प्लेस है, दिवाली के वजह से अच्छी खासी भीड़ है। दुकानों में लेकिन मुझे भीड़ नज़र नहीं आ रही है। ये सड़क पर दिया या छोटे मोटे सामान खरीदने वाले लोगों का भीड़ है। भारत की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 1250 किलोमीटर दूर है बोकारो, और झारखंड की राजधानी रांची से 110 किलोमीटर। ये क्षेत्र में आज़ादी के बाद से ही सामाजिक आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई थी, क्योंकि दामोदर नदी पर दामोदर वैली कॉरपोरेशन की शुरुआत हो गई थी। लेकिन 1964 में सोवियत रूस के सहयोग से बोकारो में स्टील प्लांट का निर्माण शुरू हुआ। 1970 के दशक में 70-72 के बाद यहाँ स्टील का उत्पादन शुरू हुआ, प्रोडक्शन शुरू हुआ, और फिर विकास की गाड़ी और पहिया चल पड़ी। चास का वो स्ट्रेच मैं पार कर रहा हूँ। एक बात और बताऊं कि ये जो क्षेत्र है, पूरा स्ट्रेच जो है, ये विडंबनाओं का क्षेत्र है। यहाँ एक तरफ आपको विकास भी मिलेगा और एक तरफ, अभी जब मैं गुजरूंगा उन जगहों से तो उसकी मैं चर्चा करूंगा। जिंदगी शायद कुछ ऐसी ही है। कई बार मुझे लगता है कि जीवन एक स्केल की तरह है। एक छोर पे एकदम अलग पहलू, दूसरे छोर पे एकदम दूसरा पहलू की कल्पना करना मुश्किल हो पाता है। ये सारा क्षेत्र इसी विडंबनाओं से भरा पड़ा है। दिवाली में मैं इतनी लंबी यात्रा जीवन में पहली बार कर रहा हूँ। आमतौर पर लोग घरों में होकर दिवाली मनाते हैं। तकरीबन 8 किलोमीटर चलने के बाद मैं इस समय नेशनल हाईवे 18 पर आ गया हूँ। मैंने चास पार किया, वो कॉमर्शियल स्पेस, दिवाली का दिन था जिसके वजह से भीड़ भाड़ काफ़ी थी। वो छोटा सा स्ट्रेच पार करने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया, तकरीबन 20 मिनट मुझे लग गए। ये बोकारो धनबाद राज्य मार्ग है, नेशनल हाईवे 18, और मेरा अगला पड़ाव बाबा भूतनाथ मंदिर है। बाबा भूतनाथ मंदिर, मैं यहाँ कई बार आया हूँ, और जैसा कि मान्यता है कोई भी गाड़ी बिना इस मंदिर पर रुके आगे नहीं बढ़ती है, तो मैं कैसे नहीं रुकता। सदियों से ये मंदिर आस्था और चमत्कार का केंद्र रहा है। इस मंदिर के बारे में मैंने अपने एक पूरे कार्यक्रम में आपको बताया है, आप जरूर देखिए। थोड़ी देर में मैं बोकारो की सीमा से निकल जाऊंगा और धनबाद की सीमा में प्रवेश करूंगा। धनबाद भारत की कोल कैपिटल। लेकिन मुझे रुकना है दामोदर नदी के पास। ये वो नदी है बोकारो और धनबाद के लिए, ये बहुत ही, इस क्षेत्र के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। दामोदर नदी, इसे पहले बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन बाद में आज़ादी के बाद 1948 में इस नदी के तट पे दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, जिससे कि बिजली बनाने का काम शुरू हुआ। हाइडल और थर्मल दोनों तरीके बिजली यहाँ से बनती है, और ये एक झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली है सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, खासकर आर्थिक दृष्टिकोण से।
क्योंकि इसके तट पे कई आर्थिक गतिविधियां होती हैं, खासकर बिजली का उत्पादन होता है। और अब मैं धनबाद, गोविंदपुर, गिरिडीह होते हुए देवघर की तरफ जा रहा हूँ। धनबाद रेलवे स्टेशन यहाँ से 23 किलोमीटर है, गोविंदपुर 34 किलोमीटर दूर और गिरिडीह 87 किलोमीटर दूर। दिन के 1:15 बज रहे हैं। यहाँ से करीब 23 किलोमीटर दूर बैंक मोड़ है, जो धनबाद का एक जाना हुआ माइलस्टोन है। सड़क आम तौर पर अभी तक मुझे अच्छी मिली है। कई जगह सड़क का निर्माण हो रहा है जिसके वजह से डाइवर्जन है, ऐसे ये सड़क काफ़ी अच्छी है। सड़क के निर्माण होने के वजह से एक ही लेन में गाड़ियां जा भी रही हैं और आ भी रही हैं, एक ही लेन को टू वे बना दिया गया है। झारखंड में भी सड़कों की स्थिति अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। मैंने कई जगह की यात्रा की है सड़क से, और मुझे लगा है कि कुछ एक जगहों को छोड़कर सड़क की स्थिति काफ़ी अच्छी है। ट्रैफिक अब हाईवेज पर कम नज़र आ रही है, क्योंकि छुट्टी का दिन है, लोग घरों में शाम के दिए की तैयारी कर रहे होंगे। एक रेलवे फाटक है, मुझे यहाँ रुकना होगा, इंतज़ार करना होगा। रेलवे गेट को ओपन कर दिया गया है। बाहर काफी गर्मी है, तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। कुछ देर से, तकरीबन 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पहले से रास्ते थोड़े ख़राब मिल रहे हैं, और इसका कारण है कि सड़क का निर्माण हो रहा है और हमें डाइवर्सन से जाना पड़ रहा है। हर जगह तकरीबन डाइवर्सन है। और इसके वजह से मुझे वक्त लगेगा। 1:40 हो रहे हैं, अब उम्मीद है कि सड़क थोड़ी अच्छी मिलेगी। इस समय मैं नेशनल हाईवे 18 पर चल रहा हूं, और मैप के अनुसार बैंक मोड़ मैं 22 मिनट में पहुंच जाऊंगा, 11 किलोमीटर की यात्रा करके। धनबाद, आप अगर इसे गैंग्स ऑफ वसेपुर से ही सिर्फ जानते हैं तो वो एक पक्ष रहा है धनबाद का। हालांकि गैंग्स ऑफ वसेपुर अनुराग कश्यप ने बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है, बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है। ये पुटकी का एरिया है। तो देश की कोयला राजधानी धनबाद में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि पूरी जिंदगी धनबाद में हर कुछ कोयले के इर्द गिर्द ही घूमती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। मैप के अनुसार 6 मिनट के बाद मैं बैंक मोड़ पर होऊंगा। तो बोकारो से धनबाद आने में मुझे तकरीबन घड़ी के अनुसार तो 2 घंटे लगे, लेकिन 1 घंटे को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो यानी नया मोड़ से बैंक मोड़ आने में मुझे तकरीबन 1.25 घंटे के आसपास लगे, और इस दौरान मैंने 40 किलोमीटर की यात्रा की। ये बैंक मोड़ में आ गया। तो ये धनबाद का बैंक मोड़, कहते हैं एक जमाने में सिर्फ बैंक होता था, उसी
के वजह से इसका नाम बैंक मोड पड़ा, लेकिन अब ये कॉमर्शियल एक्टिविटी का एक केंद्र है, एक माइलस्टोन है। एक तरफ तो धनबाद, जिसकी जिंदगी हर तरीके से कोयले के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश की जब 70% आबादी खेती पर निर्भर करती है तो धनबाद में भी खेती होती है, लेकिन आप मान लें पूरी जिंदगी हर किसी के लाइफ से कोयला यहाँ जुड़ा हुआ है। ये तो एक पक्ष हो गया धनबाद का, लेकिन दूसरा एक और पक्ष है। आप अभी भी सर्च करेंगे या किसी से पूछेंगे तो एशिया का लार्जेस्ट वर्कर कॉलोनी या लेबर कॉलोनी धनबाद में ही है, भोली के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा कोल बेल्ट झरिया धनबाद में ही है। CCL, BCCL, टाटा, ये सारी कंपनियां कोल से रिलेटेड कामों में यहाँ उनका दफ्तर है। एक तरफ तो आपने गैंग वॉर की बातें सुनी होगी, लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ है कि यहाँ धनबाद में ही विश्व प्रसिद्ध इंडियन स्कूल ऑफ माइंस था, जो कि माइंस का इकलौता भारत में बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज। बाद में उसे IIT का दर्जा दे दिया गया है। तो धनबाद से कहा जाता है कि उड़ीसा और झारखंड, जो कि कोल उत्पादन में भारत में अग्रणी है, सबसे आगे है, इसमें इस बेल्ट से, धनबाद और झरिया के बेल्ट से कोल का उत्पादन बहुत होता है। तो जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं वो आप मान लें भारत में कोयला यहाँ से तो जरूर ही गया है या जाता होगा, इतना महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र। सारे थर्मल पावर प्लांट में कोयला रेलवे को या कोयले की जितने भी ज़रूरत है उसे पूरा करने में धनबाद का जरूर कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान जरूर रहा है। इसलिए धनबाद के कई पक्ष हैं। एक पक्ष काला पत्थर फिल्म में दिखा, दूसरा गैंग्स ऑफ वसेपुर में फैजल खान और रामाधीर सिंह के जरिए हमें दिखा। धनबाद के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं, धनबाद आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। धनबाद जो शहर है, धनबाद जो क्षेत्र है, उसके जमीन के नीचे बरसों से आग लगी हुई है, कोयले में आग, जिसकी वजह से जमीन धंसने और लोगों के मरने की कई बार खबर भी आती है, और ये आग बुझेगी कैसे इसका कोई अंदाजा नहीं है। वैज्ञानिक और हर स्तर पर इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं धनबाद के जहां आप शाम में जाएंगे तो जमीन से, धरती से आपको धुआं निकलता दिखेगा, और वो धुआं जमीन के नीचे लगी हुई आग का आप अनुमान लगा सकते हैं क्या स्थिति है। जब आपके पूरे क्षेत्र में जमीन के नीचे आग लगी हुई, धनबाद की सीमा छोड़ने के बाद मैं गिरिडीह की तरफ निकल जाऊंगा। मेरा अगला लक्ष्य, मैं यही एम कर रहा हूं, 12 मिनट के बाद वो मोड़ आएगा, नेशनल हाईवे 18 के बाद नेशनल हाईवे 19 का एक स्ट्रेच है, उस स्ट्रेच पे थोड़ी देर चलना है, फिर झारखंड स्टेट हाईवे शुरू होगा और उसी हाईवे पे मुझे चलना है झारखंड गिरिडीह पहुंचने के लिए। काफ़ी संख्या में लोग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं भी पहन रखा है। तो कोरोना आज आर्थिक गतिविधियों के सामने कोरोना थोड़ा सा फीका पड़ गया है, उसकी मार नज़र नहीं आ रही है। खैर ये अलग बात है कि दिल्ली में आज भी 7,000 से ज़्यादा मामले कोरोना के आए हैं, और पिछले 24 घंटों में करीब 900 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। मैंने एक स्ट्रेच पार कर लिया है धनबाद का।
गोविंदपुर से राइट होकर मैं नेशनल हाईवे 19 पे आ गया हूँ। यहाँ से गिरिडीह 50 किलोमीटर से ज़्यादा, 53 से 55 किलोमीटर दूरी है यहाँ से गिरिडीह की। मुझे लगता है यहाँ से मुझे लेफ्ट होना होगा नेशनल हाईवे। स्टील कोल और स्पिरिचुअल कॉरिडोर यानी कि बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और देवघर की मेरी यात्रा जारी है। मैंने धनबाद पार कर लिया है और अब मैं बढ़ रहा हूं टुंडी होते हुए गिरिडीह की ओर। अभी अभी मैं धनबाद के गोविंदपुर मोड़ से आगे बढ़ा हूं। यहां से गिरिडीह होते हुए देवघर की मेरी पूरी यात्रा के बारे में मैं कार्यक्रम के दूसरे भाग में आपको बताऊंगा। मेरे साथ हम सफर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है और इसे समझने के लिए चलना पड़ता है। मेरे साथ समझिए जिंदगी को, जिंदगी की खूबसूरती को और उन पहलुओं को भी जो सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए कि सामने आने नहीं दिए जाते। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।